लवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक, बहुत मजे में होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मैं तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद बना रही हूँ। उसकी एक बहुत ही मेन रीजन ये है कि रमजान मुबारक है और रमजान में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो मैं आज एक व्लॉग शेयर कर दूँ। आज मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल डे है और सबसे पहले जो है फजर के वक्त मैंने उठ के सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है इस वक्त तक जो है वो मैंने काम कर लिए हैं तमाम कंप्लीट। उसके बाद मैंने होम क्लीनिंग स्टार्ट करी है। सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम को क्लीन किया है और ड्राइंग रूम के फ्लोर को क्लीन किया है, वॉलिंग क्लीन की है। ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम पर भी मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली ताकि ईद में मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग ना करना पड़े। और यहाँ पे बेड है, बेड पे जो है वो मैंने बेडशीट कवर अप की है। उसमें मैंने बहुत ही लाइट कलर, ऑफ वाइट और लाइट पिंकिश कलर की मैंने बेडशीट जो है वो बिछाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ऑफ वाइट और लाइट पिंक जो है फ्लावर्स बने हुए वो बहुत ही क्यूट लगता है। यहाँ पे चलते हैं किचन के साइड, और किचन में मैंने आज बनाए हैं आलू कोफ्ते, और आलू कोफ्ते के साथ मैंने बनाए हैं जीरे वाले राइस, ताकि वो बहुत ही एक अच्छा जो है गर्मी में मज़ेदार सा लुक आता है। यहाँ भी मेरे हस्बैंड चिकन कढ़ाई, मटका बिरयानी, मटका खीर, ये सारी चीज़ें लेकर आ गए। और आज जो है वो सीन कुछ यूँ है कि मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की और उसने कहा कि भाई आप जो है ना आफ्टर इफ्तार आप घर में रहिएगा, क्योंकि कुछ जो है वो सरप्राइज़ है, या शायद आई थिंक सो के कुछ वो मेरे लिए लेकर आ रही है। बट ऐसा क्या है मुझे कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। तो फिर आज जब वो आएंगी तो आप मेरे साथ जो है वो कनेक्ट रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा क्या लेकर आ रही है। उन्होंने जब तक वो नहीं आ रही है, जब तक मैं उनके वेटिंग पे हूँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ व्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो ये सूट जो है, ये आप मेरी शर्ट देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत आसम सा कलर है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो शायद इतना अंधेरा हो रहा है। अंदर आओ, अंदर ले, अंदर जाओ, आ जाओ, जाओ देखो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आया है। थैंक यू सो मच। वी आर लुकिंग रेड हैप्पी। भाई चले जी, अंदर के लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईदी सलामी जो भी समझ ले आओ। भाई मेरी ईदी आई है माशाल्लाह।